हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल गेमिंग यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो गाइस आज मेरे पास बहुत ही सारी अमेजिंग न्यूज़ है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो अपन बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। तो अपनी पहली न्यूज़ है TSM सिड को लेके। तो सिड ने बताया कि उनके बूट कैंप का एड्रेस बहुत सारे लोगों को पता चली गया है और इसी बात पे बहुत सारे लोग उनको COVID-19 की सिचुएशन में भी बूट कैंप पे आ ही जाते हैं। उन्होंने बोला कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है क्योंकि हर एक बंदे से मिलना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने बोला वो बहुत ही जल्द एक TSM का प्रॉपर मीटअप अनाउंस करेंगे, जहां तक मुझे लगता है COVID-19 की बात भी वो पॉसिबल हो पाएगा। उन्होंने बोला वो हर एक सिटी को कवर करेंगे और उनके सभी फैन से पूरे TSM के प्लेयर्स के साथ फैन मीटअप करेंगे। तो गाइस जल्दी ही देखना है कब तक ये मीटअप अनाउंस होता है ऑफिशियली। तो जो अपनी अगली न्यूज है जोनाथन को लेके, तो जोनाथन से एक बंदा स्काउट के बारे में पूछता है। तो जोनाथन बोलते हैं कि जोनाथन की स्काउट ने बहुत ही ज्यादा हेल्प करी है स्टार्टिंग डेज के अंदर। तो और कुछ क्या क्या वो आप खुद ही देख लीजिए। जो भी मतलब बीच में मेरा बातचीत आपको नहीं करते थे, बट ऑन फोन बट गाइस यही था वो जो मुझे मैसेज किया, ये हुआ ये भाई सच में बहुत अच्छा बंदा है ये। हाँ लगा झूठ का लगा, बहुत अच्छा है भाई ये। गाइज अपनी अगली न्यूज है स्काउट को लेके। तो गाइज स्काउट ने बताया कि जो अब PMPL आने वाला है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा, क्योंकि आप सभी को पता ही है जो ओल्ड रेंगल है वो अब जाने वाला है और न्यू रेंगल 2.0 बहुत ही जल्द आने वाला है। और न्यू रेंगल कितना ज्यादा अमेजिंग है ये आप सभी को पता ही है। तो स्काउट ने बोला जो PMPL में जो रेंगल के जो मैचेस होंगे वो न्यू रेंगल पे होंगे और न्यू रेंगल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो गाइज इस बार का PMPL बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो देखते हैं गाइज कैसा रहता है इस बार का PMPL। और गाइस अपनी अगली न्यूज़ स्काउट को लेके। तो गाइस स्काउट ने बताया कि जो रेंगल 2.0 है वो 8 सितंबर तक आ ही जाएगा। स्काउट ने ये भी बोला कि पूरे गेम के स्टैटिक्स है वो सब कुछ चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जो रिकॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है न्यू रेंगल 2.0 के अंदर। यानी कि जो रेड डॉट है, जो 6x है, DP के स्प्रेज है, वो थोड़े इंक्रीज हो जाएंगे पहले से। यानी कि कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो जाएगा और उसमें मज़ा आएगा। तो ये सब था कल स्काउट की तरफ स्काउट ने कहा था। और स्काउट ने ये भी बोला कि वो प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए रेंगल 2.0 के अंदर, यानी कि गन के अंदर स्प्रेज के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए। तो वेट करते हैं गाइस उस वीडियो का। गाइस अपनी अगली न्यूज़ है नोवा किंग को लेके। तो नोवा किंग ने बताया कि एक बहुत ही जल्द उनकी तरफ सरप्राइज आने वाला है और क्या कुछ का वो आप देख लीजिए। एक बार देख लेता हूँ अपना क्या हिसाब किताब है। तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया सा तकड़ा सा सरप्राइज लाने वाले हैं, होपफुली तो सबको पसंद आएगा बाद में, ठीक है। तो गाइज अपनी अगली न्यूज है मॉर्टल को लेके। तो मॉर्टल ने अपडेट दिया ब्लेजी के ऊपर कि ब्लेजी बूट कैंप कब आ रहे हैं। तो मॉर्टल ने बताया कि ब्लेजी ट्यूसडे को बूट कैंप आए जाएंगे। गाइज अपनी अगली न्यूज है जोनाथन को लेके। तो जोनाथन ने बताया कि उन वो प्रॉपर एक रूम अपना बनवा रहे हैं जिसमें पूरा प्रॉपर सेटअप होगा। तो और उनकी तरफ से बहुत ही जल्द एक रूम सेटअप वीडियो भी आने वाली है। तो गाइज जैसे उनका सेटअप कंप्लीट होगा वो रूम सेटअप टू लाइव देंगे अपन सभी के। तो गाइज वेट करते हैं उस वीडियो का। गाइज ये थी आज के लिए इंडियन गेमिंग कम्युनिटी न्यूज। में उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करना है, क्योंकि इस महीने के एंड तक 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने हैं आप सभी के लव और सपोर्ट से। तो मैं मिलता हूँ गाइस आपको अगली वीडियो में। टिल देन स्प्रेड पॉजिटिविटी।